ढेंकानाळ रे पहुंचिले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ढेंकानाळ ग्रस्त करिसेंती। प्रसिद्ध गजलक्ष्मी पूजा उपलक्षे प्रथमे बस स्टैंड पूजा मंडप रे आळती करिसेंती मुख्यमंत्री। परे ढेंकानाळ सबर राजांक प्रतिमूर्ति रे माल्यार्पण करिथिले। गणेश बाजार पूजा मंडप रे मां धनदात्रींकु दर्शन करिथिले। परे मीना बाजार, जवाहर चौक, लक्ष्मी बाजार, महावीर पूजा मंडप बुलिबा सह मां को दर्शन कर सारा परे महावीर बाजार प्लाटिनम जुबली उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव योगदान करथिले। मुख्य अतिथि भाव मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी योगदान करी ढेंकानाळ लक्ष्मी पूजार ऐतिह्य और परंपरा संपर्क में मतव्यक्त करथिले। तांक सहित तांक सहधर्मिणी डॉक्टर प्रियंका माझी मंचासीन थिले। अन्यतम अतिथि भावे राज्य सरकार खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र, सांसद रुद्रनारायण पाणी, परजंग विधायक विभूति प्रधान, हिंदोल विधायिका सीमाराणी नायक, कामाख्यानगर विधायक शत्रुघ्न जेना, जिलापाल सोमेश कुमार उपाध्याय, मिलित पूजा कमिटी सभापति रामचंद्र पात्र, महावीर पूजा कमिटर सभापति दीपक कुमार पटनायक, संपादक ज्ञानेन्द्र बेहरा, बीजेपी जिला सभापति नरेश चंद्र महापात्र प्रमुख मंचासीन थिले। मुख्यमंत्री कहिथिले ढेंकानाळ कला साहित्य संस्कृति रे एक स्वतंत्र परिचय अछि। एही माटीर बार वर्षर शहीद वीर बाजीरावतंकु नै भारतवर्ष गर्व करे। एही माटीर बहु स्वाधीनता संग्रामी, कवि, साहित्यिक, पर्यटन स्थल एवं शिल्प क्षेत्र रे मध्य ए जिला आगरे रहिछि। एहाकु शिल्प क्षेत्र रे समृद्धि पई नुआ कलकारखाना प्रतिष्ठा करी लोकमानकर आर्थिक स्थिति बढ़ी पारिबो। आजि ओडिया अस्मिता पछरे पड़िछि, समस्तंकु नै राज्य सरकार एहाकु गुरुत्व देबे। पूरी श्रीमंदिर प्रथमे भक्त भगवान मध्ये थिबा पाचेरी भांगी द्वार खोला जाइथिला। महिला मानको सशक्त करिबा पई सुभद्रा योजना माध्यम रे ओडिशा सरकार दायित्व नेछुंदी। प्रारंभ रे पारंपरिक वाद्य नृत्य रे मुख्यमंत्री को भव्य स्वागत संवर्धना जणा जायथिला। मुख्यमंत्री लक्ष्मी पूजा रे मां को दर्शन करी मां को सानिध्य लाभ करी बेस खुशी प्रकाश करथिले। पवित्र गजलक्ष्मी पूजा रे शुभ अवसर रे आज मते सुजोग मिलितला आज मां लक्ष्मी को दर्शन करिबा पई। मु 1990 मसीहा रे आसीथिली एवं आज द्वितीय थर पर मत ये पूजा देखा सौभाग्य प्राप्त होला। 38 पूजा मंडप भितर 7-8 बुलवा एवं एटी जो गोटे ऐतिह्य संपन्न ये ढेंकानाळ सहर एवं कहीं 1923 मसीह ये पूजा प्रथम आरंभ होता एवं आज निरंतर भाव में ये पूजा चली। ढेंकानाळ एटी माँ लक्ष्मी आवाहन करिबा एवं ढेंकानाळवासी को जशस्वी करेबा ये गोटे बहुत बड़ पवित्र काम। आज ढेंकानाळ एटी ऐतिह्य अच्छी, परंपरा अच्छी एवं एटी शिल्पायन आज अच्छी। शिल्पायन को मध्य वृद्धि करिबा एबे जहां मुझे कहती ये शिल्पायन वृद्धि होगा सहित ये ढेंकानाळ किभली भाव में आगामी दिन में विकास क्षेत्र में ओडिशा रे आगरे रहिब ये प्रकार बहुत योजना राज्य सरकार नौ आशा करी निश्चित भाव एटी माँ लक्ष्मी आशीर्वाद अच्छी एवं निश्चित भाव ढेंकानाळ यशस्वी होगा सहित ढेंकानाळ विकास पथरे आग को जीवा सहित जिते बड़े ओडिशा विकसित ओडिशा हम मोदीजी संकल्प को पूरा करते बड़े ढेंकानाळ एक विकसित जिला हिसाब से प्रतिष्ठा लाभ करतीपाय तार भित्तिमि सहित किभली भाव एटी लोकंर अर्थनीति लोक मैंने केमती जब पाइबे समाधान गुड़िक आज नुआ सरकार आसला पर आम सरकार गुरुत्वारोप कर महिला मानूपाई चाषी मानूपाई श्रमिक मानूपाई गरीब मानूपाई युवक मानू कि भाव में संपूर्ण भाव आग को आणिक एक समृद्ध ओडिशा गठन करार परिकल्पना आज आम सरकार नहीं कारण सरकार आसवर तुरंत त्वरित भाव में एवं चाषी को 3100 टाँह धान क्विंटाल प्रति रेट देवा
ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି 50,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ଏକ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ଏବଂ ବିକାଶକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବରେ ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବବିଭୋର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏଇଟା ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଛୋଟିଆ ବଜାରକୁ ଆସି ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ଡିକ୍ଲାର କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆହୁରି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ପାଇବେ, ବହୁତ ଖୁସି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।